दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 17 फरवरी का आप लोगों को एग्ज़ाम है डेसी पेपर 2 का, ठीक है। उसमें उसी दिन इंटरनेशनल का भी होगा और इंडियन का भी होता है, दोनों पेपर एक ही दिन होता है। इसलिए दोनों स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब इस क्लास को अच्छे से देखिए। इस बार इसमें इंटरनेशनल देखिए, अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इंडियन वाले के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है और आपको बता दें, जितना क्वेश्चन बताएंगे उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन बताएंगे, 5 आप लोग पढ़ के जाइएगा, बहुत है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी सफलता आवश्यकता शर्तों को बताएं और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत इस प्रणाली का मूल्यांकन करें। तो आपको बता दें, इस क्लास का, इसका जो सेमेस्टर 4 में क्लास ले चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं जाकर PDF में। इसको तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को की उपलब्धि का वर्णन करें तथा उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन जो है ना सेमेस्टर 4 में बना चुके हैं, इसलिए इसका भी वीडियो नहीं बनाएंगे, इसको भी आप लोग जाकर देख ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का वीडियो हम शूट करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द, मतलब आज ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SAARC के गठन एवं कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और महासचिव की शक्तियों एवं कार्यों का आलोचनात्मक करें, ये भी क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एक ही दूसरे रिलेटेड है, ये तीनों को हम आप लोगों को समझा देंगे, ये आप लोगों के लिए अच्छा है, याद भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर में 2 क्वेश्चन बताएं, इसका क्लास भी ले चुके हैं और इसका PDF भी अपलोड है JPSC विद अमन टेलीग्राम में, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जाके फ्री में प्राप्त कर सकते, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और इस तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट अगर इस चैनल के बारे में नहीं जानते, इसको शेयर कीजिए ताकि उसको भी सफलता मिले, ताकि वो भी सब क्वेश्चन लिख के आए। हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, इनमें सोचिए कि हम शेयर करवा रहे तो हमको कुछ फ़ायदा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट हेल्पफुल हो, सभी कोई क्लास ज्वाइन कर सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।